लेकिन कदम आगे बढ़ाने होंगे और चुनाव में बाजी मारेगा कौन, इसका पता तो 10 फरवरी के नतीजे के दिन ही लगेगा। लेकिन कमाई या संपत्ति अर्जित करने के मामले में अरविंद केजरीवाल अपने दोनों प्रतिद्वंदी अजय माकन और किरण बेदी से खासे पीछे हैं। देख लीजिए किसके पास कितनी संपत्ति है, तीनों दावेदार जो कि सीएम पद पर हैं। सब ताल ठोक रहे हैं कि दिल्ली का हाल दुरुस्त कर देंगे, बिगड़ी दिल्ली को बना देंगे, लेकिन पहले अपने नेताओं का माली हाल देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के पास 1,92,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें इंदिरापुर में 55 लाख का एक फ्लैट है, शिवानी में 27 लाख का पुश्तैनी मकान है और गुड़गांव में पत्नी के नाम एक फ्लैट है। वहीं केजरीवाल के पास नकदी 15,000 रुपए है, जबकि पत्नी के पास नकदी 10,000 रुपए है, जबकि केजरीवाल के पास 2,11,000 और उनकी पत्नी के पास करीब 6 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। केजरीवाल की पत्नी के पास आभूषण के रूप में 9 लाख रुपए का सोना है। कुल अचल संपत्ति 2,12,00,000 की है। इस मामले में केजरीवाल से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ज्यादा अमीर है। किरण बेदी के पास 7,90,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनके पति के नाम 28,50,000 रुपए की। वहीं बेदी के पास नकदी 55,750 रुपए, जबकि पति के पास 15,500 रुपए। बैंक में जमा रकम 2,35,43,852 रुपए, जबकि पति के पास 26,70,028 रुपए। बेदी के पास बचत जमा 15,96,985 रुपए का है, जबकि गहने 27,000 रुपए के और गाड़ी के नाम पर एक मारुति 800 कार। बेदी पर पर्सनल लोन 61,54,090 रुपए का है। अब पार्टी का ग्राफ भले नीचे हो, लेकिन कांग्रेस नेता अजय माकन की संपत्ति ठीक ठाक है। अजय माकन के पास अचल संपत्ति 7,77,00,000 रुपए की है, जबकि पत्नी के नाम 3,63,00,000 रुपए। वहीं माकन के पास चल संपत्ति 2,99,00,000 रुपए की है, पत्नी के पास 1,20,00,000 रुपए की और दोनों बेटियों के पास 47,32,000 रुपए की। खास बात यह है कि इन तीनों नेताओं की पहचान ईमानदार नेता की है। अब जनता तय करेगी कि किसकी ईमानदारी से दिल्ली का भला होगा। आज तक ब्यूरो।